जनपद संभल की चंदोसी में रोडवेज बस की टक्कर से गोवंश पशु घायल, चालक परिचालक ने स्टेशन इंचार्ज को नहीं दी सूचना। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी का है, जहां पर एक रोडवेज बस की टक्कर से गोवंश पशु घायल हो गया, जबकि इस बस के चालक और परिचालक ने स्टेशन इंचार्ज अनिल कुमार मिश्रा को इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी और गाड़ी को रोडवेज परिसर में खड़ा करके अपने घर को चले गए। इस विषय में जब स्टेशन इंचार्ज अनिल कुमार मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने पूछा कि अंकल अभी कौन सी बस स्टैंड पर आई है। उन युवकों के माध्यम से स्टेशन इंचार्ज को इस बात की जानकारी हुई कि रोडवेज बस की टक्कर से गोवंश पशु घायल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बात का संज्ञान लिया जाएगा। मिश्रा जी, आप यहाँ उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम जो है चंदौसी में रोडवेज, यहाँ आप इंचार्ज साहब हैं, ये अभी रोडवेज के पास में ये घटना घटित हुई है गाय की, गाड़ी संख्या आपकी 3091 पब्लिक बता रही है, तो आपको संज्ञान कब मिला था? ये संज्ञान हमारे, मैं यहाँ पे ड्यूटी पे था जी जी, जो गाड़ी नाइट करने आती है उसे नाइट के लिए हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं जी जी, 4:30 बजे लगभग गाड़ी आई जी, और चालक परिचालक जी गाड़ी नोट करा के बगैर हमें कुछ सूचना दिए हुए अपने गंतव्य अपने घर पर चले गए जी। उसके 5-10 मिनट बाद जी 3 बच्चे आए जी बाइक से जी, उन्होंने हमसे पूछा कि अभी अंकल जी गाड़ी कौन सी आई है जी, तो हमने बताया 3091 आई जी। तब उनके द्वारा बताया गया कि गाय के चोट मारकर ये गाड़ी आई है जी, चूँकि तो मुझ पर उपलब्ध नहीं है नाम मुझ पर उपलब्ध है, उस चालक का नंबर उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं जो मेंटेन है उस पर चालक दीपेंद्र गुप्ता, परिचालक नाजिम है जी। तो ये उन दोनों ने कोई सूचना नहीं दी थी आपके लिए? कोई सूचना नहीं दी किसी प्रकार की भी, कुछ नहीं, घटना के बारे में कोई संज्ञान नहीं दिया? कोई संज्ञान नहीं दिया, चुपचाप गाड़ी खरीद के चले गए थे बस।